भैया क्या हुआ? गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7। अभी हमको जाना है नर्मदा जी के किनारे, वहाँ पे कुछ पूजा है और अभी पापा वहीं रात रुके हैं तो उनको लेके आए। रचना नहीं आई है क्योंकि यहाँ बारिश भी हो रही थी, गीत परेशान हो जाती तो मैं आया, रचना घर पे ही रहेगी। जय माता दी। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हमारे गांव आए हुए हैं, तो मैं आपको बता देती हूं कि यहां किस चीज़ की पूजा है। ये आस्था का विषय है, सभी कल्चर्स अलग अलग होते हैं। तो यहां जो गांव में मान्यता है कि हमारे जो पापा जी हैं, मालविया जी के पापा, उन्हें माता रानी आती हैं, उनके शरीर में आती हैं नवरात्रि में। लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अपना दुखड़ा बताते हैं तो वो उनकी जवाब देती हैं। ऐसा सालों से होता आ रहा था, पर अब पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो नहीं चाहते हैं कि उनके शरीर में देवी जी आएं, क्योंकि उनको बहुत दिक्कतें होती हैं फिजिकली, तो उनको अच्छा नहीं लगता, शरीर टूट जाता है, ऐसा उनका कहना है। तो अगर हम नहीं चाहते हैं कि अब हमारे ऊपर देवी जी आएं हमारे शरीर में, तो उसके लिए एक पूजा करनी पड़ती है। उज्जैन की शिप्रा नदी में जाके वहाँ एक पूजा हुई है, वहाँ से दिया जला के लाए हैं। यहाँ आंवली घाट पे नर्मदा मैया हैं, यहाँ पे पूरी रात रुके हैं ये सब, और सुबह फिर से पूजा होगी। और फिर घर में जाके जो हमारी देवी का स्थान है, हमारा जो घर है गांव का, उसके पास में ही दूसरा घर है, वहीं पे वो हमारी कुल देवी का स्थान है, वहाँ पे दिन में पूजा होगी और रात में पूरे कुटुंब को खाना खिलाया जाएगा। मैं गाय धुलवा अरे अंगूठा इधर रख दो यार, उसमें रखना है क्या? चलो सदा स्वागत। तो दोस्तों जितने भी लोग गए थे शिप्रा नदी उज्जैन और नर्मदा नदी में, उन सभी के आने के बाद सभी के पैर धुलवाए जाते हैं। बहुत ही पवित्र माना जाता है, खासकर बहू धोती, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने सभी के पैर धोए थे। उसके बाद यहाँ पे पूजा चली है 2-3 घंटे, और फिर सबसे पहले कन्या भोजन होगा, उसके बाद सभी को, जितने भी कुटुंब के लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, उन सबको खाना खिलाया जाएगा बिठा के प्यार से। तो भैया क्या बना रहे? बूंदी। कैसे बनाते बूंदी? ठीक है, चाशनी में डालते हैं क्या? चाशनी पहले ही बना रखी है। फिर बेसन का है घोल? घोल है बेसन का। अच्छा, अभी डालोगे ना एक बार? हाँ। और क्या बनाएं? पूरी, छोले और बूंदी। और कुछ? के घर चली जाती है, हफ्तों रहती है। तो ये सूख जाएगी कि छानोगे आप? छान रहे हैं। अच्छा, छान के सुखा दी। ये सूख जाएगी, हवा लगने। ये अभी गीली है ना, ये अभी हमने रखा। हाँ, ये गीली है। हाँ, ये सूखने के बाद इस टाइप की। दोस्तों कितने सालों बाद आया हूँ मैं, क्योंकि इससे पहले कभी मैं आया ना तो एक रात रुकते थे, चले जाते थे,
इस तरह हम खेलते थे, मंदिर बन गया बड़ा। ये सब रोडें बन गई, नहीं तो रोड नहीं थी, कच्चा रहता था। वो सामने जो वहाँ दिख रहा है ना, वहाँ पे घर है, दादी का घर है। यहाँ खेलते थे हम क्रिकेट जब भी आते थे बचपन में, गर्मियों की छुट्टी में। तो ये बहुत ऊंचाई पे था, अब रोड ऊपर बन गया है तो इसके बराबर ही आ गई, नहीं तो बहुत ऊंचा था। यहाँ पीछे बेर के पेड़ थे, वहाँ बेर खाते थे। वहाँ पे हमारा चाचा की दुकान थी, अब तो हट गए वहाँ से। क्या कर रहे हैं दादी के घर पे? मस्ती कर रहा है, सुबह से मस्ती कर रहा है। नो 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 नो, नमस्ते तो करो सबसे, सुबह से मिले। नमस्ते, ये हर दाल का हर चावल का अलग महत्व है। यदा कल्याणेभ्य नमः, राजाधिराजाय प्रसन्नाय तो देवानां भगवती अजाओ। बाबा आप भी दे दो। तो दोस्तों ये हो रही है फाइनल पूजा, यहाँ पे मेरे पिताजी को देवी जी भी आ गई और कुछ पूजा पाठ चल रही है, उसके बाद आरती होगी, हवन होगा और फिर हम भोजन कराएंगे सभी हमारे मेहमानों को और कन्याओं को। और ये सब हो चुका है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी मोबाइल की, इसके आगे कब बना नहीं पाए। और सुबह हमको निकलना है क्योंकि ऑफिस वापस जाना है हमको। दोस्तों गुड मॉर्निंग, अभी हम हैं रास्ते इंदौर वापस जा रहे हैं और मेरे एप्पल का चार्जर मैं लेकर आया मगर वो सही नहीं था, तो बैटरी जब डिस्चार्ज हुई तो उसके बाद फिर हम ब्लॉग ही नहीं बना पाए और काम इतना था तो भूल गया यार। सुबह सुबह जब इस होटल में आके हमने चार्ज किया है अभी मोबाइल, तो आपसे बात हो पा रही है। तो अभी हम रास्ते में इंदौर वापस जा रहे हैं और बस रचना भी थक गई है और देख लो हालत सबकी। गीत रात को 2 बज गए क्योंकि रात को 2 बज गए काम होते हैं, मेहमान खाना सबका था, उसके बाद हालांकि धोना पत्तल में था लेकिन फिर भी घर इतना फैला बर्तन वगैरह करने में, ये तो हालत अब दिखी नहीं। और सुबह जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि धूप हो जाती है तो फिर सबको परेशान होती है क्योंकि उमस बहुत है, पानी जरूर गिर रहा है पर बहुत उमस है। तो अभी हालत अच्छी नहीं है तो ज़्यादा ब्लॉगिंग करने में मज़ा नहीं आएगा, कुछ अच्छा होता रास्ते में बात करते हैं। अभी हमने ऑर्डर किए हैं अनार, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी, क्योंकि हाथ में छिले मतलब गिर पड़ा है सर, तो नहीं लग रहा अरे हाथ छिले हिसाब से गिरना गया होगा। क्यों क्या हुआ, क्या बन रहा है चौराहे में? भैया ऐसा तो नहीं हो सकता है सुबह सुबह की बात, हमें लगा कि कोई वहाँ पे गिर पड़ा है, हमने बहुत देर परेशान हुए हैं, फिर देखा तो भाई वो तो पिए हैं। सुना होगा तुमने कुछ बदबू आई हो यार, मुझे तो अच्छे घर का लग रहा था। हाँ लग तो अच्छा रहा था, कपड़े डिसेंट पहने थे, कलर और हाथ में जो पहन रहा डिसेंट था, मगर वो उनने कहा कि पिए में अब होगा कुछ, देखना ही है तुम्हारे स्ट्रॉबेरी शेक। चल मिलते हैं आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो अभी आए डोडी हो गया है, भूख लग लगी है तो अभी हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मसाला डोसा उत्तपम। बहुत नींद आ रही है,
चलते 2 घंटे में, 1.5-2 घंटे में हो जाएंगे। देखो बन गया हमारा ऑर्डर, तो ऐसा नहीं। तो ये आ गए उत्पम और डोसे, यम्मी है। हाँ खा लो, खा लो, खा लो, खाओ खाओ। क्या खा लिया? चटनी नारियल की चटनी। इस आदमी को हर चीज से डर लगता है, झूले से नाम से डर लगता है। झूलना है जानू, हम लोग की कैसी हालत हो रही जानू। मालवे जी झूलना है, छन से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। वो चक्कर आ गया, वो चक्कर आ गया। अकेले ही आ गए हैं, माँ बाप की जरूरत ही नहीं इनको। दोस्तों सच बता रही हूँ आप लोग, अगर देख लो हमारी हालत इस वक्त, क्योंकि नींद नहीं हुई है 2 रात से। कल रात भी नहीं सोई हूँ, मुश्किल से शायद आधा घंटा सो पाई होंगी। यार सुकून मिल रहा है यार, पता है। ये तो खैर हम यहाँ आ गए आष्टा, लेकिन आपको पता है इंदौर में बहुत भीड़ है, रश है, इसलिए उसे मिनी मुंबई कहते हैं। और भोपाल में इतना सुकून होता है ना, तो मुझे अगर पूछा जाए तो मुझे भोपाल बहुत पसंद है, क्योंकि वो झीलों की नगरी है और वहाँ बहुत सुकून मिलता है। घर पहुँच के मैं तो नहा के सोऊंगी, मुझे खाना भी नहीं। चलो चलते हैं, ये तो खेलते ही रहेंगे। दोस्तों फाइनली वी रीच दार होम। अगर रोड खराब है तो ज़्यादा बातें हो नहीं पाई रास्ते में। दोस्तों अभी आए ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम मीटिंग आ गई थी सडनली। हालांकि सर छुट्टी है, मैं भी छुट्टी पे था, मगर मीटिंग आ गई तो आना पड़ा, क्योंकि प्राइवेट जॉब है या ऐसा ही होते हैं। तो 8:30 बज जाएंगे मीटिंग में। नींद आ रही आप आंखों में देख रहे होंगे, क्योंकि रात भर जगे थे। और फिर तो चलते हैं फिर वापस, फिर कल संडे आराम करेंगे, तो क्या करें। और हमारे सब्सक्राइबर आशुतोष मिश्रा जी, वो भी हमसे मिलने, मतलब महाकाल के दर्शन करने और उसके बाद फिर हमसे मिलने आएंगे कल। देखो सब कुछ सही रहा, क्योंकि भरोसा नहीं यार, हम लोग बहुत अभी हालत ख़राब चल रही है, बागत थोड़ी बहुत हो गई।